में जो है वो हम इंट्रोडक्शन जो है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इट कैन बी अ शॉर्ट लेक्चर इज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। ठीक है, मेरे पास जो है वो इतना ज्यादा जो है वो आई वॉज नॉट हैविंग अ गुड टाइम विथ माई हेल्थ, सो बड़ी मुश्किल से जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आई है। सो इन दिस लेक्चर वी विल प्रैक्टिकली बी डीलिंग विद द कि जो है ना वो एंटमोलॉजी जो है वो क्या होती है, व्हाई वी स्टडी एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी के अंदर हम किस चीजों को पढ़ते हैं, उनके जो है वो एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनको किन किन चीजों के बारे में जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो पढ़ना पड़ता है। सो लेट स्टार्ट द जर्नी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी हम कोई जो है वो नया सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने जाते हैं या कोई नई साइंस के बारे में कोई नया सब्जेक्ट आ जाता है, कोई नई साइंस है, कोई नई फील्ड है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ाया जाता है वो उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि भाई इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, हम क्या पढ़ते हैं इस चीज के अंदर। सो द क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड्स कि व्हाट इज एंटमोलॉजी। ठीक है, कि भाई एंटमोलॉजी जो है वो क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं एंटमोलॉजी, क्या इसकी जो है वो नीड हमें आके पड़ी है कि हम एग्रीकल्चर में कभी हम कहते हैं कि डीवीएम भी पढ़ लो, कभी हम कहते हैं कि भाई सोशल साइंस भी पढ़ लो, कभी हम कहते हैं कि भाई इंसेक्ट्स भी पढ़ लो, व्हाई डोंट वी स्टिक टू द क्रॉप्स ओनली। तो देखिए एग्रीकल्चर जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बहुत सारी डोमेन्स की जो है वो इकट्ठी की गई हैं, और इसीलिए एक ब्रांच है एंटमोलॉजी की। ठीक है, एंटमोलॉजी जो है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये जूलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भाई साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में जो है वो इल्म हासिल किया जाता है, उस सब्जेक्ट का नाम है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट्स का जो ताल्लुक है वो एनिमल किंगडम से है और ये पर्टिकुलरली एनिमल्स के तौर पर जो है वो टेक्सोनॉमिकली जो है वो काउंट होते हैं, तो ये एंटमोलॉजी जो है वो जूलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स का जो है वो इल्म हासिल करते हैं। अब ये ब्रांच एग्रीकल्चर में क्या कर रही है उसको हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। द टर्म एंटमोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। अब ये जो आपको ऊपर जो है वो नजर आ रहा है एंटमोलॉजी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो एंटमोलॉजी है ये दो वर्ड्स का जो है ग्रीक के जो है वो लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं उनको क्या किया गया है कंबाइन किया गया है और उसके बाद एक लफ्ज बनाया गया है इंटोमोलॉजी। तो इसके पीछे जो दो बेसिक वर्ड्स हैं उसमें सबसे पहला वर्ड आता है इंटोमॉन। ठीक है, इंटोमॉन का मतलब होता है एन इंसेक्ट। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी और टू द सीक नॉलेज। सो इंसेक्ट्स के बारे में तालीम हासिल करने को या इंसेक्ट्स के बारे में साइंटिफिकली तालीम हासिल करने को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी इज पर्टिकुलरली द ब्रांच ऑफ जूलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, अब इंसेक्ट क्या है, ठीक है, इंसेक्ट क्या है, ये जो इंसेक्ट कहाँ किस बला को हम इंसेक्ट कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन है। तो इंसेक्ट जो वर्ड है वो खुद लातिनी जबान के एक जो है वो वर्ड में से जो है वो ड्राइव किया गया है जिसको हम कहते हैं इंसेक्टम। ठीक है, इंसेक्टम जो है वो एक लैटिन जो है वो लैंग्वेज का लातिनी जबान का जो है वो वर्ड है जिसके माने होता है पीसेस में कटा हुआ, कट इनटू। ठीक है, सो इंसेक्ट जो है उनके लिए ये मशहूर है कि भाई इंसेक्ट जो है वो ऐसी बला का नाम है या ऐसी क्रिएशन का नाम है जो मुख्तलिफ जो है वो सेगमेंट्स में कटे हुए हैं। अब वो कैसे कटे हुए हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो हियर यू कैन सी इन दिस फिगर दैट व्हाट आर द पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स। अब इनके अंदर हाईली डाइवर्सिफिकेशन है, एक इंसेक्ट आपको एक साइज का है, इनकी साइजेस में फर्क है, इनके कलर्स में फर्क है, इनके स्ट्रक्चर में फर्क है, इनके काम में फर्क है। सो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल साइंस आई हैव एवर गॉन थ्रू कि ये एक बड़ी बेहतरीन किस्म की साइंस है जिसके अंदर आपको बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलता है एंड यू आर वेरी मच अवेयर कि भाई हम किस तरीके से जो है वो इस सब्जेक्ट को जो है वो डील करते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया है, तो भाई एंटोमोलॉजी जो है
वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि भाई एक ऐसी जो है वो साइंस है जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में साइंटिफिक स्टडी हासिल करने का नाम एंटोमोलॉजी है। अगर हम इसकी वर्ड मीनिंग की तरफ जाएंगे तो एंटोमोलॉजी जो है वो जो वर्ड है वो पर्टिकुलरली ड्राइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से। एक है एंटोमोन जिसका मतलब होता है एन इंसेक्ट, और दूसरा होता है लोगोस जिसको हम कहते हैं टू स्टडी। तो स्टडी एन इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। अब इंसेक्ट खुद कहाँ से निकला है? इंसेक्ट खुद निकला है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड इंसेक्टम से, ठीक है, जिसका मतलब होता है कट इनटू, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो क्रिएशन जो कटे हुए हो उनको जो है वो हम कहते हैं इंसेक्ट। अब वो कैसे कटे हुए होते हैं उसको जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंसेक्ट्स के बारे में अगर हम थोड़ा और जो है वो डीपली जानना चाहें तो इंसेक्ट्स का ताल्लुक फाइलम आर्थ्रोपोडा से है। ठीक है, याद रखें इंसेक्ट्स का जो ताल्लुक है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है वो एक फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। अगर आपने 9th क्लास की बायोलॉजी या फर्स्ट ईयर के अंदर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो वहां पर हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो उसके बाद हमें हमें ये पता चलता है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक रखता है। तो इंसेक्ट्स जो हैं उनका स्पेसिफिकली ताल्लुक है वो आपको मिलेगा किंगडम एनिमेलिया से। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया जो है वो सबसे बड़ा जो है वो किंगडम है जिसके अंदर लाखों की तादाद में जो है वो स्पीशीज जो है वो पाई जाती है, और उस किंगडम के अंदर एक फाइलम है जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा से जो है वो ये निकला है इंसेक्ट्स का जो ताल्लुक है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, अब आर्थ्रोपोड्स किसको कहा जाता है, क्यों हमने इनको इस फाइलम के अंदर रखा है? ठीक है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास इंसेक्टा से ताल्लुक रखते हैं इंसेक्ट। ठीक है, तो ये जो है वो टेक्सोनॉमिक हायरची है कि भाई पहले आपकी जी स्पीशी आती है, देन उसका जीनस आता है, देन उसकी जो है वो फैमिली आती है, देन उनकी क्लास आती है, देन उनका जो है वो फाइलम आता है, एंड देन यू हैव द किंगडम। तो सबसे जो बड़ी कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन करने की उसको हम कहते हैं किंगडम, और जो सबसे छोटी कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन करने की उसको हम कहते हैं अपना क्या कहते हैं स्पीशी। तो ये देखिए ये टैक्सोनॉमिक हायरची है, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको इन चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से समझना है या सीखना है कि भाई कैसे फाइलम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जो है ना वो फाइलम। तो किंगडम एनिमेलिया जो है वो किंगडम है, उसका एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और उस आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है इंसेक्टा, और उस इंसेक्टा के अंदर जो है वो इंसेक्ट्स जो है वो प्लेस किए जाते हैं। ये उनकी टैक्सोनॉमिक हायरची है। अगर आप उसको साइंटिफिकली देखें कि भाई इंसेक्ट्स का ताल्लुक किस ग्रुप से है तो उनकी पूरी क्लास ही अलग है। अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं उनकी जो है वो बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है, और वो जो सेगमेंट्स हैं वो दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, बाज औकात जो है वो दो होते हैं, सॉरी तीन होते हैं, लेकिन किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो तीन सेगमेंट्स भी जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स के तीन मेजर करेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर बताए गए हैं। उनमें से सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है उनका वो है उनकी सेगमेंटेड बॉडी, कि उनकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जनरली तीन दो या तीन सेगमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद उनके पास जो है वो एक्सो स्केलेटन्स होते हैं। याद रखें स्केलेटन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एंडोस्केलेटन और एक होते हैं एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन व्हिच इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन,
वो ढांचा या वो स्केलेटन जो जिस्म के बाहर जो है वो मौजूद हो, या जिस्म के बाहर दिखने में आए, या जिस्म के बाहर आपको नजर आए, उस स्केलेटन को कहा जाता है एक्सो स्केलेटन। और वो स्केलेटन जिसको जो है वो हम जिस्म के अंदर पाए, जैसे कि इंसानों के अंदर है, या जो आपकी बॉडी के अंदर हो, जिसके अंदर बोन्स हो, उसको कहा जाता है एंडो स्केलेटन। तो देखें, मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ पर्टिकुलरली, सो वो भी मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आई ऑल्सो टीच दैट। सो इसीलिए तो देखिए, स्केलेटन को भी समझना है कि भाई स्केलेटन की बेसिस पे भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें बहुत सारे जो है वो ऐसे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि उनका स्केलेटन आपको बाहर मिले अंदर मिलेगा, जिसम के अंदर मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका स्केलेटन आपको बाहर मिलेगा। तो जो स्केलेटन जिस्म के अंदर पाया जाता है या जिस्म के अंदर मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं एक्सो स्केलेटन, और जो स्केलेटन जिस्म के अंदर पाया जाता हो, उसको हम कहते हैं एक्सो स्केलेटन। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। सो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है या दूसरा जो कैरेक्टर है उन ऑर्गेनिजम्स का जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, वो है कि उनका जो ढांचा है या स्केलेटन है वो जिस्म के बाहर मिलेगा। और तीसरा जो इनका मेजर करेक्टर है वो है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, यानी कि अपेंडेजेस का मतलब होता है इनकी लेग्स, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा जो लफ्ज है वो निकला ही इसी वर्ड से है कि भाई इनकी जो अपेंडेजेस हैं या लेग्स वगैरह होती हैं वो ज्वाइंटेड होती हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा जो नाम है वो है ही है, पोडा का मतलब होता है फीट एंड आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड। तो ज्वाइंटेड फीट जो लफ्ज है उसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं तो कहा जाता है आर्थ्रोपोडा, और ये इनका जो है वो तीसरा और वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, जिसके जरिए हम ये कहते हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये तीन खसूसियात आपको नजर आएंगी, पर्टिकुलरली ये तीन, इसके अलावा भी हैं लेकिन अगर जिनके अंदर पर्टिकुलरली ये तीन खसूसियात मौजूद हैं, उनको जो है वो आप फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं कि भाई एक उनकी बॉडी सेगमेंटेड हो। अब वो दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में बटी हुई हो, जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उनको हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर रखते हैं। दूसरी में जो मेजर पॉइंट है उसका नाम है उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन्स होंगे उनके पास, यानी कि उनका जो ढांचा है या जो स्केलेटन है वो आपको बॉडी के बाहर मिलेगा। और तीसरा जो है वो इनका जो मेजर करेक्टर है वो है कि भाई इनकी जो लेग्स हैं या अपेंडेजेस हैं वो क्या होंगी, वो ज्वाइंटेड होंगी। तो ये तीन चीजें हैं इनके अंदर जो है वो आपको जो है वो देखा जाएगा। तो उसके जो है वो उन ऑर्गेनिजम्स को जो है वो जो है ना वो हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की आगे भी बात करें तो इसकी जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस है, ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो क्लासेस हैं, और इसकी जो है वो उन क्लासेस के अंदर एक क्लास है जो इंसेक्ट्स को जो है वो डिस्क्राइब करती है या इंसेक्ट्स को जो है वो डील करती है। पर्टिकुलरली अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो उसके अंदर नौ क्लासेस आती हैं, ठीक है, कहीं पर जो है वो तो देर आर नाइन क्लासेस इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, आठ दूसरी हैं, नवीं जो क्लास है वो है आपकी जो है वो क्लास इंसेक्टा, जिसके अंदर दुनिया के अंदर जितने भी मौजूद इंसेक्ट्स हैं उनको जो है वो प्लेस किया गया है। तो ये याद रखें कि भाई फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो नाइन क्लासेस हैं, ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग, आठ है नाइन है आई एम नॉट श्योर, बल्कि ये इतनी है, ये यू शुड चेक दैट कि भाई क्या होता है।
सो इंसेक्ट्स एज अ क्लास विद इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा आर पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर देयर प्रेवलेंस एंड इम्पोर्टेंस इन वेरियस इकोसिस्टम्स। देखिए इंसेक्ट जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास भी रखते हैं और वो वेल नोन है, लोग उनको जानते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स के अंदर जो है वो आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स के अंदर जो है वो आपको मिलेंगे, और इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। दे कैन बी अ वेक्टर्स फॉर द डिजीजेस, दे कैन बी द पॉलिनेटर्स, दे कैन बी डिजीज ट्रांसफरिंग मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें हैं इनकी जो आपको जो है वो इनके अंदर जो है वो देखने को मिलेंगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज द वन ऑफ द वंडरफुल सब्जेक्ट। तो आगे हम चलते हैं कि भाई अब जो है वो इसको क्या है, इंसेक्ट्स का जो वजूद है, ठीक है, हम आगे जाके और भी जो है वो इसको पढ़ेंगे कि भाई व्हाट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो इंसेक्ट्स की हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो साइंटिफिक जो नॉलेज है या जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर ये बात देखने को मिलती है कि भाई इंसेक्ट्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। ठीक है, अगर हम इंसेक्ट्स के बारे में उनकी तारीख को पढ़ें या उनकी हिस्ट्री को अगर साइंटिफिकली जो है वो हम डिस्कस करें या उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो हमें ये एक बात पता चलती है कि भाई इंसेक्ट्स जो हैं वो सबसे पुराने, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो जमीन के ऊपर जो है वो रह रहे हैं, एंड दे आर हाईली डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब ये है कि इनके अंदर बहुत सारी इकसाम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंसेक्ट में आपको मिलती है दूसरे के अंदर जो है वो आपको नहीं मिल रही होती है। सो दिस क्रिएट्स दिस इंसेक्ट्स एज अ वंडरफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स या क्रिएशन जिसको पढ़ना भी इंटरेस्टिंग है और जिनको समझना भी जो है वो इंटरेस्टिंग है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स की बात करें तो भाई हिस्ट्री को जो है वो तीन मेजर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, मे बी ये किसी ने पढ़ी हो। ठीक है, तो पहला जो है वो होता है पैलियोजोइक एरा, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 252 मिलियन से लेके 541 वो मिलियन ठीक है अप्रोक्सीमेटली ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड वी नीड टू फॉलो द साइंस। तो देखें पैलियोजोइक एरा के अंदर अगर आप देखें तो वहां पर भी इंसेक्ट्स आपको मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी जो है वो निशानियां हैं या सिम्टम्स हैं जो ये जाहिर करती हैं कि भाई पैलियोजोइक एरा के अंदर भी इंसेक्ट्स मौजूद थे। तो इंसेक्ट्स के लिए ये कहा जाता है कि भाई खुश्की वाली जगहों पर या ये जो लैंड के ऊपर जो है जो सबसे पहली एंट्री जो मारी गई थी जिन ऑर्गेनिजम्स के जो है वो तरफ से वो इंसेक्ट्स थे। अब इंसेक्ट्स का अगर आप जो है वो शिजरा निकाले तो इनका जो ताल्लुक है वो माइरिया पॉड्स एंड एरेक्निड्स से है। ठीक है, माइरिया पॉड्स एंड एरेक्निड्स जो हैं ये दोनों क्लासेस हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। याद रखें दिस इज अ वेरी टेक्निकल सेशन, अगर आपने यहाँ पे इस इन चीजों को समझ लिया देन यू आर गोइंग टू बी ओके। ठीक है, अगर आपको आगे चल के ये चीजें समझ नहीं आई तो आपके ऊपर से जाएंगी। तो भाई इनके लिए कहा जाता है कि भाई इंसेक्ट्स के अबाउ आजाद कौन है। ठीक है ना, हम अगर अपना शिजरा निकालते हैं तो हम जाके हजरत आदम अलैहि सलाम को जाके जो है वो पहुंचेंगे। तो कैसे ये आए दुनिया में, तो बात अगर की जाए तो भाई ये आए तो थे इस दुनिया में लेकिन इनका जो है वो कौन है, इनके जो है वो अबाव अजदाद कौन है, तो मायरियापोड्स एंड एरेक्निड्स। ठीक है, ये दोनों क्लासेस हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। ठीक है, एक जो है वो है क्लास एरेक्निडा आती है जिसमें एरेक्निड्स हैं जिसके जो है वो आपका स्पाइडर स्कॉर्पियंस ये ताल्लुक रखते हैं इस क्लास से, और दूसरी होती है मायरियापोड्स, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो आपकी सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स जो है वो आती हैं। तो इंसेक्ट्स के जो एंसेस्टर्स हैं वो इनमें से कोई है, या तो ये सोपेरी और जो है वो मिलीपेड्स इनमें से आया है, या तो फिर ये इनका जो एवोल्यूशन हुआ है वो स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस से हुआ है। तो देखिए इंसेक्ट्स बहुत पुराने, अब उस दौर के इंसेक्ट्स को अगर आप देखें तो
तो उस दौर के जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो साइज थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, ठीक है, और उनको जो है वो विंग्स जो है वो नहीं हुआ करते थे, उनकी जो साइज हुआ करती थी पैलियोजोइक एरा के जो इंसेक्ट्स हैं अगर आप उनको देखें तो उनकी जो साइज हुआ करती थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी और उनको विंग्स नहीं हुआ करते थे। तो अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर फिर ये आखिरकार कैसे इनको जो है ये सारी चीजें मिल गई, तो याद रखें देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। बिल्डिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा ज्यादा पता होगा कि कैसे म्यूटेशंस आते हैं, कैसे एक फॉर्म ऑफ लाइफ से आपकी दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो क्रिएट होती है, हाउ द वेरिएशन अकर्स विद इन द स्पीशीज एंड बियॉन्ड द स्पीशीज। वेरिएशन टाइम से आता है, एवोल्यूशन टाइम से आता है। एवोल्यूशन का मतलब ही यही है कि भाई किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर वक्त के साथ अगर कोई चेंज आता है तो दिस इज कॉल्ड एज एन एवोल्यूशन। तो इंसेक्ट्स के अंदर भी एवोल्यूशन आया है, तभी जाके उनका साइज अब छोटा हो गया है, ठीक है, और उनको जो है वो पर वगैरह जो है वो अब लग गए। तो याद रखें पेलियोजोइक एरा के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स आपको मिलते थे वो बहुत बड़ी साइज के हुआ करते थे और उनके पास विंग्स नहीं होते थे। अगर उस वक्त के इंसेक्ट्स की हम बात करें तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उस दौर के जो इंसेक्ट्स थे वो बड़े ही करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं कॉकरोचेस के और ड्रैगन फ्लाइज के, क्योंकि देखें ये दोनों जो है कॉकरोचेस थोड़ी बड़ी साइज के हैं और इनके पास विंग्स होते हुए भी ये उड़ता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि और ड्रैगन फ्लाइज की भी जो साइज है वो बहुत बड़ी है। तो कॉकरोचेस और ड्रैगन फ्लाइज के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को आजकल के दौर में भी रखें तो ऐसा हो सकता है कि भाई पेलियोजोइक एरा के अंदर जो आपको इंसेक्ट्स मिल रहे होते थे या वहां पर उस टाइम पर जो इंसेक्ट्स मौजूद थे वो हो सकता है कि इन दोनों इंसेक्ट्स की जो फैमिलीज हैं इनके करीबी रिश्तेदार हो या इनसे मिलते जुलते कोई इंसेक्ट्स हो। तो दिस इज द पेलियोजोइक एरा। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं है, दो एरा और भी है, उनको जो है वो हम जो है वो अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो रिमेंबर द थिंग, इंसेक्ट्स के लिए कहा जाता है कि भाई दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ, ठीक है, वो दुनिया के अब जो है वो हजरत सलमान फारसी के दौर से आप चींटी वाला वाकया तो सुनते हुए आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये इतने पुराने हैं भाई जो है वो इससे पहले भी हुआ करते थे होंगे। तो जाहिर सी बात है साइंस अगर कह रही है तो देयर मस्ट बी एन एविडेंस एंड द प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट। तो इंसेक्ट्स के लिए ये कहा जाता है कि भाई इंसेक्ट्स का जो दुनिया के अंदर जो मौजूद होने का जो सबूत है वो पेलियोजोइक एरा में भी मिलता है, ठीक है, और ये वाहिद क्रिएशन है या वाहिद ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने सबसे पहले टेरिस्ट्रियल लाइफ की फॉर्म को जो है वो स्टार्ट किया था, यानी कि खुश्की के ऊपर रहने वाली जो लाइफ है उसका अगर अर्थ के ऊपर कोई डेब्यू किया गया था या शुरुआत की गई थी या स्टार्ट लिया गया था वो लिया गया था इंसेक्ट्स की तरफ से। अब इंसेक्ट्स के आबाओ अजदाद कौन हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उनके आबाओ अजदाद या तो स्पाइडर्स हैं या फिर सेंटीपेड्स या मिलीपेड्स हैं। साइंस ये कहती है कि भाई इंसेक्ट्स का जो एवोल्यूशन है वो मिलीपेड्स और स्पाइडर्स ये दोनों क्लासेस हैं, क्लास मैरियापोड्स एंड क्लास एरेक्निडा, ये दोनों क्लासेस हैं। एरेक्निडा से आपकी जो है वो स्पाइडर बिलोंग करता है और स्कॉर्पियो जो बिच्छू आपका है वो इनसे बिलोंग करता है, और मैरियापोड्स का मतलब यही है कि बहुत सारे पैरों वाली, तो इनमें सेंटीपेड्स आ जाते हैं एंड मिलीपेड्स आ जाते हैं। सेंटीपेड के 100 पैर होते हैं और जो है ना वो मिलीपेड्स के लाख या हजार पैर होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी जो है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी अबाउट इंसेक्ट्स के भाई ऐसे कैसे आ गए इस प्लैनेट के ऊपर। अगर आप एंशियंट इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो उनकी जो साइज थी वो क्या थी, बहुत बड़ी हुआ करती थी और उनको पर नहीं हुआ करते थे। तो अगर इन इन इंसेक्ट्स को अगर हम आजकल के इंसेक्ट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता कोई इनका जो है वो रिश्तेदार निकालें तो हमें दो चीजें जो है वो समझ आती हैं, एक होता है कॉकरोच और दूसरी होता है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई। तो दे कैन बी जो है ना वो इनसे जो है वो मिलता जुलता जो है वो आपको मिल सकता है। सो देयर इज अ वन वन मिनट लेफ्ट, सो मैं 1 मिनट का जो है वो ब्रेक लूंगा एंड वी विल स्टार्ट जब ये खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी शुरू करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। सो वी कैन
स्टार्ट आफ्टर दिस सेशन. थैंक यू, बी विथ मी प्लीज.